अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल मदनी जिंदगी पर। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि भारत की मशहूर दरगाहें कौन कौन सी हैं? अगर नहीं जानते तो जान लें, आज की वीडियो में यही बताएंगे कि भारत की मशहूर दरगाहें कौन कौन सी हैं और उसमें कौन से अल्लाह के वली दफन हैं। दोस्तों, भारत की मशहूर दरगाह की लिस्ट में पहला नाम अजमेर शरीफ का आता है। ये दरगाह देश विदेश में फेमस है। इस दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दफन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। इनको कई नाम से जाना जाता है, शेख मोइनुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बाबा, कई नाम से इनको जाना जाता है। इनकी पैदाइश 1142 ईस्वी में सिस्तान यानी सिस्तान में पैदा हुए, जो ईरान में वाकई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला नसब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। आप एक सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिसका एहतराम करना हर एक मुसलमान पर फर्ज है। आपके वालिद का नाम गयासुद्दीन हसन था, जो कि आप मालदार ताजिर होने के साथ साथ आबिदो जाहिद किस्म के इंसान थे। जब आपकी उम्र 15 साल की थी तब आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह 1206 ईस्वी में हिंदुस्तान आए और अजमेर में कायम किया। इनके हाथों पे हिंदुओं की बड़ी तादाद ने इस्लाम को कबूल किया। इसके अलावा अजमेर में रहने वाले सारे हिंदुओं को मुसलमान बना लिया। आपकी वफात 1236 ईस्वी में अजमेर में हुई। दोस्तों, भारत की मशहूर दरगाह की लिस्ट में दूसरा नाम हाजी अली दरगाह का आता है। ये मुंबई में समुद्र में बनी है। इस दरगाह में हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दफन है, जो हाजी अली के नाम से मशहूर है। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 15 दिसंबर 1429 ईस्वी 21 रजब 850 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम कबीरुद्दीन शानी रहमतुल्लाह अलैह था। आपकी वालिदा का नाम बीबी जैनब था। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 22 साल की हुई तो आपके वालिद मोहतरम की वफात हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार सोचा कि काबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करूं। तब आपने सफरे सामान तैयार किया और निकल पड़े। जब रोजे पे पहुंचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए हाजी अली, हिंदुस्तान जा, हमने तुम्हें हिंदुस्तान के लिए चुना है, तुम्हारे जिस्म की मिट्टी वहीं की है। तब आप रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का सफर किया और मुंबई में आके इंतकाल फरमाया। दोस्तों, भारत की मशहूर दरगाह की लिस्ट में तीसरा नाम कलियर शरीफ का आता है। इस दरगाह में हजरत साबिर रहमतुल्लाह अलैह दफन है। हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख के मुताबिक 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1196 ईस्वी में अफगानिस्तान के छोटे से इलाके हेरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद शाह अब्दुल रहीम है। आपकी वालिदा का नाम बीबी जमीला खातून है। बीबी जमीला खातून हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बहन थी। हजरत साबिर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफात इस्लामी तारीख के मुताबिक 13 रबीउल अव्वल 690 हिजरी में और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 23 मार्च 1291 ईस्वी में कलियर शरीफ में आपकी वफात हुई। दोस्तों, भारत की मशहूर दरगाह की लिस्ट में चौथा नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह का आता है। ये दिल्ली में वाकई है। इस दरगाह में हजरत निजामुद्दीन औलिया दफन है। आपका मुकम्मल नाम सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन था। आपके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी था और वालिदा का नाम बीबी जुलेखा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 19 अक्टूबर 1238 ईस्वी में और इस्लामी तारीख के मुताबिक 636 हिजरी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पैदा हुए।
जब आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 5 साल की थी तो आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। 16 साल की उम्र में आप और आपकी वालिदा दिल्ली चली आई। आपकी वफात अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 3 अप्रैल 1325 ईस्वी में और इस्लामी तारीख के मुताबिक 18 रबीउल सानी 725 हिजरी में वफात हुई। दोस्तों, भारत की मशहूर दरगाह की लिस्ट में 5वां नाम देवा शरीफ का आता है। इस दरगाह में हाजी वारिस अली मदफून है। हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1819 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा कस्बे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत कुर्बान अली शाह था। आपकी वालिदा का नाम हजरत बीबी सकीना था। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफात 7 अप्रैल 1905 ईस्वी में हुई।